मैं बार बार बोलता हूं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये ऐसे दो सब्जेक्ट हैं, इनके बगैर आपका जेई नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन तो यही दोनों सब्जेक्ट दिलाएंगे। फिजिक्स में कितना आएगा सर? फिजिक्स में एवरेज बच्चा जो है 80 ला सकता है। अगर एवरेज हो तो इसके बारे में सोचो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो अलग बात है। समझ आ गया क्या? इस बार एक आध दो बच्चे ऐसे हैं जो अपने क्लासरूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बहुत इससे आगे जाएंगे। केमिस्ट्री में 70, आपका मार्क्स कितना आया? 150। अगर आपके कैटेगरी का बेनिफिट नहीं है तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा 150 पर। 150 पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बच्चा 70 80 नंबर ला रहा है ना फिजिक्स में, हमने देखा वो बच्चा 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर मैथ्स में लाने के लाले पड़े हुए हैं। ये हालत हो गया है मैथ्स का, 80 नंबर फिजिक्स में, मैथ्स में 12 नंबर 13 नंबर, ये हालत। समझ आ रहा है क्या? तो 150 तो सर क्या करें, यहीं बढ़ा दें क्या सर? फिजिक्स हमारा फेवरेट है सर, केमिस्ट्री हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, बढ़ा दिया क्या यहीं पर? नहीं, क्योंकि यहां 20 नंबर बढ़ाओगे ना, जितना एफर्ट लगेगा उतना एफर्ट से मैथ्स में तुम 30 नंबर बढ़ा सकते हो, 40 नंबर बढ़ा सकते हो, क्योंकि कुछ तो सवाल आसान आएंगे ना मैथ्स में, तो वो वहां वो पिक करो ना बच्चा। यहां सर 20 नंबर बढ़ा दे क्या? ना बच्चा, यहां 20 और बढ़ाना बहुत मुश्किल है, उससे बढ़िया कि यहीं और 30-40 बढ़ा दो। तो जितना एफर्ट अब आगे ले जाने में लगेगा, यहां तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए 50। और कोई बच्चा अगर मैथ्स में 50 लेकर के आता है ना, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है मैथ्स के लिए। लेकिन ये मैथ्स का 50 स्कोर तभी काम करेगा जब 140-150 तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री में हुए पड़े हो, तब ये जो तुम्हारा मैथ्स है ये रैंक डिसाइडिंग। और जेई वाले जो है एकदम क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि हमें इंजीनियर चाहिए, उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज वाले नहीं चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में, उनका नॉलेज कहां स्किल चेक हो रहा है? मैथ्स। उनको मैथमेटिशियन चाहिए जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करे, जो जटिल सवाल टाइम लेकर के सॉल्व करे, उसे दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको ये जो 150 नंबर लाना है ना, ये 1.5 से 2.5 घंटे के बीच ला देना। 180 मिनट्स में से आपको 100 मिनट्स ज्यादा नहीं देना है इस 150 नंबर में। और ये 50 नंबर लाने के लिए बचे हुए 80 मिनट आपको खर्च करने पड़ेंगे। समझ आया कि नहीं है? नहीं बोल रहे हो आप, तो सोचोगे कि नहीं प्रोपोर्शनल नहीं है कि फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री आपको 30 मिनट पे करना है, आपको करना पड़ेगा 35 मिनट मुश्किल से, बहुत ज्यादा हुआ था 40 मिनट, और ये भी 50 मिनट में कर लेना है, 50 से 60 मिनट के अंदर। तो 60 मिनट और 40 मिनट कितना होता है? 100 मिनट। 80 मिनट बचा हुआ जो है आपको मैथ्स में देना पड़ेगा कम से कम, तब आपके 50 आएंगे, आते हुए मैथ्स नहीं हो पाएगा। ये स्ट्रेटजी है जेई का, ऐसे ही हो रहा। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर कहीं भी नुकसान है तो आप नीचे जाएंगे। ये 200 जो स्कोर कर रहे हो ना, 99% आ जाएगा, और 99% का मतलब आप बढ़िया से सिक्योर हो गए, ढंग का एक NIT मिल रहा है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, एडवांस में लग जाओ, एडवांस भी हो जाएगा। जिसका 94-95 रहेगा मुश्किल है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। मैं कितना भी बोलूंगा एडवांस कर बच्चा हो जाएगा, नहीं आता है। 11 साल से मैं तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों, 7 साल हमने खुद भी देखा है, 16-17 साल का अनुभव है, 17 सालों से इतना सा गैप नहीं है, लगता है हर साल एग्जाम दे रहे हैं। समझ आ गया? आप एनर्जी के भी हाँ पर बोलेंगे, अनुभव के भी हाँ पर, जो बोलेंगे वो होगा, एग्जैक्टली वही होगा। पुराने आउटडेटेड टीचर थोड़ी हैं, इसी माहौल में जन्म लिए, इसी माहौल में जी रहे, हर साल फेल हुआ, तो ये ध्यान रखिए। ओके, समझ आया? ऐसे होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। क्या सर मैथ्स छोड़ दें? छोड़ के क्या करोगे? कितना भी नंबर लागो कहीं नहीं जाओगे, 80 लाने के लिए हालत खराब होते हैं, ऐसा थोड़ी कि 80 इतने आसानी से आ जाएगा, 70 इतने आसानी से आ जाएगा, इसमें भी एफर्ट लगता है, इससे ऊपर नहीं जाओगे। अगर 10-10 नंबर भी कम हो गया ना, तो कितना हो जाएगा? 130 पर चले जाओगे, 130 का मतलब कुछ नहीं होता है, मैथ्स ही आपको हेल्प करेगा। चलो 130 आ गया मैथ्स में, अगर 50 आ गया 180 है, ठीक ठाक है, खराब नहीं है। लेकिन अगर मैथ्स को गोल कर दिए, नहीं होगा बार बार बच्चे, क्योंकि मैथ और केमिस्ट्री और फिजिक्स का PYQ बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है, ये धनाधन बनता है, तो लगता है क्यों ना यार, PYQ तो फिजिक्स का बन जा रहा है, फिजिक्स पर लग जाता है, केमिस्ट्री पर ही लग जाता है, समझ रहे हैं, मैथ्स को इग्नोर करता है। एक बच्चा ऐसा है, उससे भी मैं मिलवाऊंगा, सबको एडवांस पर अभी हमने छोड़ दिया है, जो मैथ्स डाउन किया केमिस्ट्री को उठाने के चक्कर में, फिजिक्स शुरू से ही ठीक रहा उसका, 12th में आकर के मैथ्स केमिस्ट्री उसका पूरा खराब हो चुका था, 12th में आया तो बोला क्या करें, केमिस्ट्री को ठीक कर भाई, अब इतना ठीक करने में लग गया कि ये खराब कर दिया, ये तो ठीक हो गया, ये पहले से ठीक था, दोनों ठीक, कहीं नहीं जा रहा है।
ये तो कर दिए ना गड़बड़। एक बच्ची 99.7 जिसका जानते हो आप, ये ठीक, ये भी ठीक, और ये पूरा बेड़ा कर, वो भी कहीं नहीं जा पाएगी। समझ रहे हैं क्या? यही बात है, आपको तीनों लेके चलना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट खराब है, बिल्कुल यही नहीं होगा, आप दूर दूर तक नहीं रहेंगे। मैं बता रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं अंतिम सत्य है। आपको ये सच्चाई पता कब चलेगा? जब वो टाइम आएगा। मैं 2 साल पहले आगे की मैं बातें बता देता हूं, और ये बातें आपको याद आएंगी, लेकिन फिर क्या कर लोगे बताओ? आपको बस यही लगेगा, बोलता तो सही था। हाँ, आप यही करोगे कि दूसरे बच्चे के पास आप बोल दोगे, यार ठीक पढ़ाता है, ठीक बोलता है, चले जाओ तुम, इतना ही बोल सकते। समझ आ गया ना? सही है क्या? चलिए।